अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने कहा कि बसपा अगले साल होने जा रहे चार राज्यों की विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सारा खेल ईवीएम की गड़बड़ी का है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का आज 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन को भव्यता से मनाने की तैयारी इस बार सतीश चंद्र मिश्र नहीं बल्कि आकाश आनंद ने की है। आकाश मायावती के भतीजे हैं। 5 साल पहले मायावती ने लखनऊ में आयोजित अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के दौरान आकाश का परिचय पार्टी समर्थकों को दिया गया था। तब मायावती ने बताया था कि ये उनका भतीजा आकाश है जो लंदन से MBA करके लौटा है और वो पार्टी का काम देखेगा। अब आकाश BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती ने उन्हें हाल ही में 50% यूथ को पार्टी से जोड़ने का दायित्व भी सौंपा है। BSP सुप्रीमो मायावती चाहती हैं दलित मुस्लिम और गैर यादव OBC वर्ग के युवाओं को आकाश पार्टी से जोड़ें। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आकाश भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने देश के युवाओं से एक मजबूत देश बनाने और जातीय अत्याचार खत्म करने के लिए BSP से जुड़ने की अपील भी की है। आकाश का दावा है कि युवा ही BSP और देश का भविष्य है। आकाश के इस अपील को उनसे राजनीति में सक्रिय होने और पार्टी में अहम जिम्मेदारियों को संभालने का संकेत माना जा रहा है। अभी आकाश पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मायावती के फैसलों को पार्टी पदाधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। अब मायावती ने अपनी रणनीति के तहत गैर यादव अति पिछड़े वर्ग दलित और मुस्लिम समाज के युवाओं को BSP से जोड़ने का दायित्व आकाश को सौंपा हुआ है। मायावती को पता है कि यदि उनकी देखरेख में आकाश इस दायित्व को पूरा कर लेगा तो वो BSP और प्रदेश का एक सफल नेता बन सकेगा। BSP नेताओं के अनुसार UP में गैर यादव अति पिछड़े वर्ग के मतदाता 35% से ज्यादा हैं, वहीं सूबे में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 22% है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है जो अपनी एकतरफा वोटिंग के लिए जानी जाती है। इन तीनों समुदाय के मतदाताओं का कुल प्रतिशत 77% के करीब हो गया है। अगर कोई भी सियासी दल इन तीनों समुदायों को साध लेता है तो वो न केवल BJP को टक्कर देगा बल्कि सत्ता पर उसकी मजबूत पकड़ भी तय है। जातियों के इन आंकड़ों के आधार पर ही मायावती ने आकाश को इन जातियों के 50% युवाओं को BSP से जोड़ने का मिशन सौंप रखा है। अब इन युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आकाश BSP के संस्थापक काशीराम की तरह युवाओं के बीच काम करेंगे। काशीराम और मायावती ने कैसे मिलकर BSP को मजबूत आधार दिया, ये मायावती अब आकाश को बता रही हैं। मायावती के इस मिशन को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यूपी की सत्ता से हटने के बाद मायावती खासकर दलित युवाओं की नई पौध को BSP के तौर तरीकों वाली राजनीति से जोड़ नहीं पा रही थी, जिसके चलते ही भीम आर्मी बनाकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने पश्चिमी यूपी में दलित युवकों के बीच मजबूत पैठ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे में मायावती के लिए ये भी जरूरी था कि वो पार्टी के बंद दरवाजे और लचीलेपन से दूरी रखने वाली सियासत को विराम दें। इस वक्त की जरूरत को समझते हुए ही मायावती ने अपनी अब तक की हार्ड लाइन राजनीतिक परंपरा को लचीला बनाने का फैसला किया है और अपने भतीजे आकाश को नए दौर की BSP का विस्तार करने का दायित्व सौंप दिया है। अब BSP से युवाओं को जोड़ने का जो सपना मायावती ने देखा है उसे आकाश पूरा करेंगे और जल्द ही मायावती के साथ आकाश भी पार्टी के मंच से भाषण देते हुए दिखेंगे। वीडियो डेस्क amarjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।